टीकमगढ़ नगर में गैंगरेप का मामला सामने आया है, जो टीकमगढ़ शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़िता द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके घंटों बाद पुलिस द्वारा रात्रि में FIR की गई और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा रात्रि तक उनकी जानकारी देने से बस्ती नजर आ रही थी। मध्य रात्रि में पुलिस द्वारा इस मामले की जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट की गई कि लगभग एक माह पूर्व वह टीकमगढ़ आई थी। अरविंद साहू से जान पहचान हो गई थी। अरविंद साहू ने उसे किराए से मकान दिला दिया था। दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को रात्रि लगभग 8 बजे राहुल यादव मोटरसाइकिल से कमरे पर आया और बोला कि अरविंद साहू ने अपनी साइट पर बुलाया है, जो राहुल यादव के साथ साइट पर चली गई थी। साइट पर अरविंद साहू, राधे राय, राजा खरे, हल्कू रैकवार, कल्लू यादव बैठे खा पी रहे थे। जिन लोगों ने उसे जबरदस्ती निर्वस्त्र किया और उसके साथ मारपीट कर बलात्कार तथा अप्राकृतिक कृत्य किया। कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी सहित 6 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है तथा सभी आरोपियों को अभिरक्षा में लिया जा चुका है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्षेत्र अंतर्गत घटना है, यही टीकमगढ़ शहर की। परसों रात को करीब 8 बजे इस युवती, जो पीड़ित युवती है, इसको राहुल यादव जो आरोपी है वो लेने आया बाइक पे, और अरविंद साहू ने उसको बुलाया था, जो उसका परिचित था। ये वहाँ पहुँची तो अरविंद साहू मौजूद था और 4 अन्य आरोपीगण जो बनाए गए हैं वो भी मौजूद थे। फिर उन्होंने इसके साथ जो है एक एक करके ये दरिंदगी जो है वो की, और इसमें अप्राकृतिक और साथ में बलात्कार का और रेप का और मारपीट, ये सारी चीज़ें थी। तो ये सब कर किया इन्होंने। तो जैसे ही फिर लड़की वहाँ रात भर रही और सवेरे फिर उन्होंने उसको छोड़ा, और फिर उसके बाद में उसने काफ़ी हिम्मत करके फिर थाने आके रिपोर्ट की। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें मतलब जो भी वैधानिक कार्रवाई है FIR भी कर दी है, और 6 जो आरोपीगण हैं उनको हम लोगों ने राउंड अप कर लिया। सर, ये घटना कब की है? सर, ये परसों रात की घटना है, मतलब 26 तारीख की रात की घटना है। सर, बताया गया है कि वो जो पीड़िता महिला है वो के साथ गैंगरेप का एक सामने मामला सामने आया है, क्या है पूरा घटनाक्रम? सर, ये कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घटना है, यही टीकमगढ़ शहर की। परसों रात को करीब 8 बजे इस युवती, जो पीड़ित युवती है, इसको राहुल यादव जो आरोपी है वो लेने आया बाइक पे, और अरविंद साहू ने उसको बुलाया था, जो उसका परिचित था। ये वहाँ पहुँची तो अरविंद साहू मौजूद था और 4 अन्य आरोपीगण जो बनाए गए हैं वो भी मौजूद थे। फिर उन्होंने इसके साथ जो है एक एक करके ये दरिंदगी जो है वो की, और इसमें अप्राकृतिक और साथ में बलात्कार का और रेप का और मारपीट, ये सारी चीज़ें थी। तो ये सब कर किया इन्होंने। तो जैसे ही फिर लड़की वहाँ रात भर रही और सवेरे फिर उन्होंने उसको छोड़ा, और फिर उसके बाद में उसने काफ़ी हिम्मत करके फिर थाने आके फिर रिपोर्ट की। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें मतलब जो भी वैधानिक कार्रवाई है FIR भी कर दी है, और 6 जो आरोपीगण हैं उनको हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। सर, ये घटना कब की है? सर, ये परसों रात की घटना है, मतलब 26 तारीख की रात की घटना है। सर, बताया गया है कि वो जो पीड़िता महिला है वो कोतवाली में 24 घंटे चक्कर लगाती रही? नहीं नहीं, वो आई थी, जैसे आई तत्काल इसमें कार्रवाई शुरू, सभी पुलिस सक्रिय हुई थी, हम लोगों को सबको जानकारी में आया, हम लोगों ने तुरंत उसमें एक्शन लिया था। वो विलंब वगैरह जो हुआ हुआ तो उसी के पार्ट। आरोपी सभी पकड़ लिए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।